मुंबई के कलीना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मणिपुर की रहने वाली एक 26 वर्षीय लड़की के साथ मुंबई के कलीना इलाके में मोलेस्टेशन की घटना सामने आई है। पेशे से मेकअप आर्टिस्ट ये लड़की मुंबई में पिछले 5 साल से रह रही है, लेकिन पिछले दिन उसके साथ जो वाकया घटा है वह उसे भूल नहीं सकती। ये लड़की अपने फ्रेंड के साथ कलीना से गुजर रही थी, तभी वहाँ एक मनचले ने लड़की पर भद्दे कमेंट किए। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उस मनचले की इतनी हिम्मत कि उसने उस लड़की पर थूका, सरेआम बेइज्जती कर उसे पीटा, बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटा। ये लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ से गुजर रहे किसी भी राहगीर ने उसकी मदद नहीं की और लोग तमाशाबीन बने रहे। एक लड़की को असॉल्ट करते हैं, जो भी पब्लिक के सामने उसको खुला मारते हैं, उसको मारपीट करते हैं। और इतना दर्द की बात यह है कि किसी ने, सब लोग ने देखा, बहुत लोग ने वो इंसिडेंट को देखा, बट किसी ने भी उसको मदद नहीं की। कब की घटना है और आप? ये हुआ सैटरडे अराउंड 6:30 को, जब मेरी सिस्टर और उसका दोस्त सामान लेने के लिए निकल रहा था, तो एक लड़का ने बिना कुछ वजह मेरी सिस्टर पर अटैक कर दिया, लात मारा, उसको पंच किया, थप्पड़ मारा, कपड़ा फाड़ा, बहुत हो गया। ऑन द स्पॉट हमने एक पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया कि ऐसा असॉल्ट हुआ है ये स्पॉट पे, तो पुलिस लोग आए थे उधर, तब तक तो वो लड़का भाग गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस ने कंप्लेन किया, फिर बोला कि हमें FIR लॉन्च करनी है, तो वो लोग ने बोला ठीक है, तो पेपर में कुछ लिख के दे दी मराठी में, और बाद में पता चला कि वो NC है, FIR नहीं है। तो फिर उसके बाद बोला पुलिस ने कि आप लोग घर जाइए, हम उसको पकड़ेगा तब आपको कॉल करेगा। तो मैं बार बार पुलिस स्टेशन में आता रहा और फिर पूछता रहा कि क्या हुआ, कुछ पता चला। इसलिए मैंने माई होम इंडिया का NGO ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो नोटिस वाले को हेल्प करते हैं, वो लोग को मैंने ये बात इन्फॉर्म किया और वो लोग भी आया पुलिस स्टेशन में 3-4 बार, बार बार पूछा कि वो लड़का के बारे में कुछ पता चला, मिला क्या, तब भी पता नहीं क्या है। हम जहाँ तक हमें लग रहा है कैजुअली वो ले रहा था, ऐसा लग रहा है। फिर मैंने बोला तब तक वो लड़का को पकड़ा नहीं जाता और उसको प्रॉपरली पनिश नहीं किया जाता, तब तक मैं स्ट्रगल करना नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए मैंने मीडिया का हेल्प भी लिया। तो अभी तक वो लड़का का क्या है कुछ अता पता नहीं। इस घटना के बाद लड़की ने पुलिस कंट्रोल के रूम में कॉल किया, जब तक पुलिस आई तब तक वह भाग चुका था। उसके बाद फटे हुए कपड़े में लड़की जब अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची, उसने अपनी आप बीती पुलिस को बताई कि किस तरीके से उसे असॉल्ट किया गया और पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और मोलेस्टेशन का कोई केस नहीं लिया, बल्कि NC दर्ज कर उसे उस मनचले को पुलिस स्टेशन में पकड़ लाने का आश्वासन देकर जाने के लिए कहा। उस लड़की को मराठी नहीं आती थी, ऐसे में जब लड़की ने अपनी कंप्लेंट कॉपी अपने मित्र को दिखाई जिसे मराठी आती थी, तो उसने उसे बताया कि उसके साथ जो घटना घटी है उस हिसाब से पुलिस ने FIR नहीं ली बल्कि NC ली है। इस मामले को लेकर जब लड़की के जान पहचान वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि आरोपी मेंटली रूप से डिस्टर्ब था और अब वह बेंगलोर में है। पुलिस उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जल्द ही उसे पकड़ लेगी। वहीं पुलिस की माने तो वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी। ये सब गंभीरता से ले रहे हो, अभी आगे आगे उनका इंक्वायरी होकर जांच करके वो सब एक्शन होगा डेफिनेटली। पीड़िता की बहन का कहना है कि भारत के उत्तर पूर्व राज्य से होने की वजह से मैंग्लोइड फीचर्स हैं, शायद एक वजह है जिसके चलते विदेशी समझकर लोग उसे बचाने आगे नहीं आए। लड़की अब भी डरी और घबराई है और इस आस में है कि कब उसे सरेआम बेइज्जत करने वाला पुलिस के गिरफ्त में होगा। कैमरा पर्सन विनय दुबे के साथ शमा खान, द टाइम्स 24x7 न्यूज़, मुंबई।